एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं और उनके साथ धीरज गुर्जर जुड़ गए हैं। अदिति, सवाल कीजिए कि ताबड़तोड़ रैलियां, बेरोजगारों को साधने की कोशिश की गई, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, लेकिन रिफ्लेक्शन अभी तक रुझानों में दिखाई नहीं दे रहा। ना लड़की हूं लड़ सकती हूं काम आया, और ना ही बेरोजगारों को लेकर जो एक बड़ा एजेंडा सेट किया गया था ना वो काम आया। अदिति, क्या मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल विजेंद्र, शायद नेटवर्क इशू है, आप शायद मुझसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, और ये सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ खुद धीरज गुर्जर मौजूद हैं, राजस्थान के बड़े नेता हैं और प्रियंका गांधी के साथ लगातार रहे, और 100 से अधिक रैलियां धीरज जी प्रियंका जी ने करी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और हमने कई सारी रैलियां और आखिरी के दिनों में हमने भी जो है रैली उनके साथ जो रोड शो भी पूरा देखा वाराणसी में, और भीड़ भी आई। लेकिन आंकड़े, क्योंकि आज नतीजे का दिन है और नंबर्स पे बात होती है, तो आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमने सबसे पहले, हमारा लक्ष्य था कि जो पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन अस्त व्यस्त था, उसको एक जगह पर लाना, पूरी ऊर्जा उसको देना, उसको खड़ा करना, और उसके बाद में किस तरह से हम लोग चुनाव का नैरेटिव बन पाए, और किस तरह से जब यहाँ पर ये भर्ती और चर्बी और गर्मी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जनता को विकास के मुद्दों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकें। और उससे बड़ी बात, पिछले 25 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 403 सीटों पर चुनाव एक साथ कभी लड़ा नहीं। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा जो चिन्ह है वहाँ पर वो ईवीएम की मशीन से वोटर लिस्ट से गायब होता जा रहा था, तो हमको उसको वापस स्थापित करना था। और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस चुनाव के अंदर कि 400 विधानसभा सीटों पर हमने हमारे प्रत्याशी खड़े किए और मजबूती से चुनाव लड़े, और नेता ने पूरी ताकत से उनके लिए, पूरे नेता ने, संगठन ने, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जितना ताकत लगा सकते हैं, हमने पूरी ताकत लगाकर यूपी के अंदर कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया। संगठन जरूर खड़ा किया, लेकिन क्योंकि आप प्रियंका गांधी जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा भी प्रियंका गांधी के जो डिसीजंस हैं वो पंजाब में भी रहा, पंजाब में जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको लाया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अभी अपनी सीट से, जो हाल ही में जो हमने अभी रुझान देखे उसमें अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। चन्नी जो है वो दोनों सीटों से फिलहाल पीछे चल रहे थे, अभी करंट रुझान जानेंगे। तो उसमें ये सारे जो डिसीजंस हैं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जाएंगे अगर अंत में रुझान नतीजों में बदलते हैं तो। नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी में हर निर्णय नेता के ऊपर और आलाकमान पर डालकर हम लोग बच नहीं सकते। नेता को जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ के सचिव हैं, जो स्टेट की लीडरशिप हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, नेता उनकी राय के आधार पर फैसले करता है। ये चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से देखी, पहले हम लोग भी सुनते थे लोग, मैं अपना कादर बचाने के लिए या कोई अपना पदाधिकारी दूसरा है वो अपनी कोलर बचाने के लिए कहता है कि नहीं, ये निर्णय राहुल गांधी जी ने किया है, निर्णय प्रियंका गांधी जी ने किया है। पार्टी के अंदर जो भी निर्णय हमारी पार्टी के अध्यक्ष और जो करते हैं वो पार्टी के अंदर सामूहिक निर्णय लेकर किया जाता है, और ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और जो व्यक्ति इससे बचने का प्रयास करता है वो खुद को बचाने के लिए नेतृत्व के ऊपर ये बात को थोप देता है। धीरज जी, आप ये मानते हैं कि अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना बाकी है, मतलब उत्तराखंड और गोवा में तो कांटे की टक्कर है और क्या कुछ होता है, लेकिन आगे भी देश में भी और राज्यों में भी अभी अपने आप को स्थापित करना, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में संगठन, आपको शायद पूरे देश में संगठन खड़ा करने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो सूरज उगता है वो डूबता जरूर है, और जो डूबता है वो उगता जरूर है। समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं है। हमारे अंदर हम इस बात को नहीं कहते कि कमी नहीं रही है, अगर कुछ कमी ने कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इस कमी को दूर करने के लिए पूरी पार्टी, पूरा सामूहिक नेतृत्व, तो हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को बचाने के लिए। कोई कांग्रेस ही सी बात, वो बात करेंगे, कोई बात करेगा गर्मी की, कोई बात करेगा चर्बी की, कोई बात करेगा मंदिर की, कोई बात करेगा मस्जिद की, लेकिन कांग्रेस ही है जो सवाल कीजिए कि जो भी बातें वो कर रहे हैं उनका असर जनता पर तो दिखाई दे रहा है, जनता तो वोट फिर भी दे रही है, जबकि प्रियंका गांधी खुद मैदान में थी। महिलाओं को लेकर 50% टारगेट उन्होंने किया, 40% को वोट दिया। गर्मी चर्बी, हम समझते हैं कि जो बयानबाजी है उसका स्तर नीचे गिर गया है, लेकिन फिर जनता को असर क्यों नहीं हो रहा है इस बात का? हमारे एंकर खासतौर पर विजेंद्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि जनता तो वोट उन्हीं को दे रही है चाहे वो गर्मी चर्बी सबकी बात करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को जब उनके भूख के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके विकास के बारे में भुलाकर ऐसे धार्मिक मुद्दों को उनके बीच में परोस दिया जाता है, जब आदमी की आंखों पर पट्टी बांधने का प्रयास किया जाता है, उस पट्टी को खोलने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता को एजुकेट करने की भी यहाँ पे बात।